बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल गर्मी का सीजन है और लीची आजकल बाजार में बहुत ही अच्छी आई हुई है, तो हम इसके साथ ही आज बनाएंगे चार तरीकों से डिफरेंट स्टाइल के जूसेस। चारों ही बहुत जबरदस्त बनते हैं और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको इसमें से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। और इसमें मैं यूज करूंगी लीची का जूस, जो मैंने पहले से बना के रख लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसे रेडी किया है। एक पाव लीची को मैंने छील कर, तो उसके जो सीड है वो भी ऑफ कर दिए थे, और ब्लेंडर में दो गिलास पानी डाल के अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर लिया, और बाद में उसको हमने स्टेन करके रख लिया है। उसके साथ ही हम ये सारे जूसेस जो है अपने वो रेडी कर। और मैंने आप लोगों के साथ आज एक बात शेयर करनी है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका भी कुकिंग चैनल है, आपने चैनल को जरूर विजिट करना है। ऑब्सेस्ड विद फूड के नाम से ये चैनल है और आपने इसको सब्सक्राइब करना है। न्यू चैनल है और बहुत सपोर्ट की जरूरत है मेरी फ्रेंड को। आप सब ने जरूर उनकी वीडियो देखनी है, लाइक करनी है और उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड एंड टेस्ट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स एंड थैंक्स टू देम हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। सबसे पहले रेडी कर लेंगे रू अफजा लीची जूस। इसके लिए मैं ग्लास में डाल दूंगी आइस क्यूब्स। अब इसमें दो टेबलस्पून जाएगा रू अफजा का शरबत। लेमन जूस मैं इसमें डालूंगी दो टेबलस्पून, और ये लीची का जूस है ये मैं हाफ गिलास कर दूंगी इसके साथ। बाकी इसमें जाएगी सॉफ्ट ड्रिंक, व्हाइट कलर में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने इस पे लगा दिया है एक लेमन का स्लाइस। अब मैं रेडी करूंगी लीची लेमनेड। इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डाला है पुदीना और उसमें डालेंगे लेमन जूस। इसको हल्का हल्का सा हमने मैश कर लेना है, इस तरह से गिलास में ही मैं मैश कर लूंगी ताकि पुदीने का फ्लेवर जो है लेमन जूस में आ जाए। अब इसमें हम डाल देंगे लीची का जूस तकरीबन हाफ ग्लास, और ये मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा शुगर सिरप। अब इसमें जाएंगी आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स के बाद मैं इसमें डाल दूंगी सॉफ्ट ड्रिंक, और इसको भी गार्निश कर देंगे हम लेमन के स्लाइस के साथ। अब हमने तीसरा फ्लेवर रेडी करना है लीची मिंट मजीतो। इसके लिए मैंने सबसे पहले मिंट के थोड़े से लीव्स डाल दिए हैं ग्लास में। अब इसमें डाल दूंगी मैं तकरीबन दो से तीन लीचियां छोटे पीसीस में करके वो मैंने डाल दी हैं। अब इनको भी हमने हल्का हल्का सा मैश करना है। ये सारे फ्लेवर ही बहुत अच्छे बनते हैं, इस तरह से जो आपको अच्छा लगे वो आप बनाएं। अब मैं इसमें डाल दूंगी लेमन जूस तकरीबन दो टेबलस्पून, और अब इसमें जाएगा लीची का जूस, ये भी तकरीबन हाफ गिलास मैंने डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स। इसके बाद इसमें जाएगी सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी फ्लेवर हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं लास्ट फ्लेवर लीची मैंगो मॉकटेल। इसके लिए मैंने थोड़े से पत्ते डाले हैं पुदीने के, और इसमें डाल दिया है तकरीबन तीन लीचियां मैंने इसमें डाल दी हैं, और इनको भी हम मैश कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ ग्लास मैंगो जूस, या आप किसी भी कंपनी का मैंगो जूस डाल सकते हैं, और अगर आपके पास घर में मैंगो जूस है बना हुआ तो आप वो भी डाल दें। आइस क्यूब्स के बाद इसमें मैं डाल दूंगी लीची का जूस, ये भी हमारा रेडी हो गया है और ये बहुत ही जबरदस्त बनता है मैंगो फ्लेवर में।
हमारे फोर टाइप्स के जो ड्रिंक्स हैं बहुत ही जबरदस्त रेडी हुए हैं। इनमें से जो भी रेसिपी आपको अच्छी लगे उसे आप ट्राई करें, बनाएं और इंजॉय करें। समर सीजन में बहुत ही जबरदस्त ये ड्रिंक्स हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज अच्छी लगी हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपसे ज्यादा चाहूंगी दुआ में याद रखें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।